हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओम लैब्स। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अपरेटस की। इसकी हेल्प से हम किसी अननोन बॉडी का वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसकी हेल्प से हम दो वेक्टर्स के बीच में उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहाँ पर लिया है ग्रेव सैंड अपरेटस, इसको हम ग्रेव सैंड अपरेटस भी कहते हैं। एंड अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है वुडन बोर्ड, दो फ्रिक्शनलेस पुलिस, यहाँ पर हमने अपनी अननोन बॉडी सस्पेंड कर रखी है, एंड साइड में मिल जाते हैं दो स्लॉटेड वेट्स। एंड ये है इस अपरेटस के पिलर्स, एंड साइड पे हमने स्क्रूज लगा रखे हैं जिसकी हेल्प से हम इस वुडन बोर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमने यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लेनी है जो कि हमने वुडन बोर्ड पे लगानी है। तो मैंने यहाँ पर एक पेपर क्लिप ले रखा है जिसकी हेल्प से मैं इस शीट को यहाँ पर इस वुडन बोर्ड पे लगा दूंगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर ये शीट लगा दी है। यहाँ पर जो ये फोर्स है इसको हम पी कहेंगे, एंड इस फोर्स को हम क्यू कहेंगे, जो कि स्लॉटेड वेट से लगाया जा रहा है। तो ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इनका जो रिजल्टेंट है उसको हम कहेंगे आर फोर्स, जो कि लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस शीट के ऊपर हम दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, एक तो पी के लिए, फिर क्यू के लिए, एंड फिर आर के लिए भी। एंड यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा, एंड जो पैरेललोग्राम का डायगनल होता है वो हमें देता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट से ही हम जो डायगनल है वो कैलकुलेट करेंगे पैरेललोग्राम का, एंड उसको हम यूज करेंगे अपनी बॉडी का अननोन वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर ले रखे हैं 200 ग्राम ऑफ स्लॉटेड वेट, एंड क्यू में भी इक्वल 200 ग्राम ऑफ स्लॉटेड वेट, एंड ये है वो बॉडी जिसका हमें अननोन वेट कैलकुलेट करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको यहाँ पर एक मिरर स्ट्रिप ले लेना है, एंड उसको आपको इस स्ट्रिंग के पीछे एकदम ऐसे रखना है, एंड आपको दो पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करने हैं कि ये वाली जो स्ट्रिंग है उसकी जो इमेज है वो एकदम लाइन में हो। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगाया एंड एक पॉइंट। सिमिलरली आपको ये क्यू के लिए भी करना है, एंड सेम ऐसे आपको आर के लिए भी करना है। तो मैंने यहाँ पर P फोर्स के लिए, Q फोर्स के लिए, R फोर्स के लिए पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब मैं शीट को रिमूव करूंगा एंड आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, एंड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें जो हमारा P फोर्स था उसमें हमने लिया था 200 ग्राम्स, एंड Q में भी 200 ग्राम्स। तो ये भी जो हमारे दो मैंने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, दिस इज फॉर P, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर सिमिलरली क्यू के लिए भी, एंड ये जो है ये हमारे आर फोर्स के, जो कि अननोन बॉडी का लाइन है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि 50 ग्राम, क्योंकि हमारा जो एक स्लॉटेड वेट है उसका वेट है 50 ग्राम, 50 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम P को कंसिडर करेंगे तो P के लिए हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, एंड Q के लिए भी सिमिलरली 4 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल लूँगा, एंड यहाँ पर इस पॉइंट को मैं कहूँगा O, एंड यहाँ से मैं ड्रॉ कर लूँगा 4 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली Q वाली तरफ भी मैं 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूँगा। अब आपको कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के आर्क्स ड्रॉ करने हैं, एंड उन दोनों पॉइंट्स को भी जॉइन कर लेना है। तो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेता हूँ, सो दिस इज एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से पहले P से एक आर्क ड्रॉ करूँगा, एंड यहाँ Q के एंड से भी एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगा, इसको मैं कहूँगा C, इस पॉइंट को कहूँगा मैं A, एंड इसको मैं कहूँगा B, एंड हम इनको भी ज्वाइन कर लेंगे।
तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन चुका है ओ ए सी बी, एंड अब हमें इन दो वेक्टर्स ओ ए और ओ बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जो कि होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है ओ और सी पॉइंट के बीच में। Which is exactly 5 cm। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 cm। तो हमारा जो ओ सी लाइन है दैट इज इक्वल टू 5 cm। एंड अब हम चलते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पर। तो गाइस ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। तो यहाँ पर जो हमारा पी फोर्स था जो हमने स्टार्टेड वेट पे लिया था वो था 200 grams, क्यू भी था सेम 200 grams, जो हमारी ओ ए साइड थी वो थी 4 cm। तो यहाँ पर जो ओ ए है वो थी 4 cm, सेम थी फॉर ओ बी 4 cm, एंड जो हमने ओ सी कैलकुलेट करा था वो था ओ सी इज इक्वल टू 5 cm। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 cm। तो हमारा अननोन वेट क्या होगा, अननोन वेट इज इक्वल टू ओ सी जो कि 5 cm है इनटू स्केल, स्केल है हमारा एक स्लॉटेड वेट, उसका वेट था 50 grams। तो अननोन वेट आ जाएगा 5 × 50 जो कि हो जाता है 250 grams। अब ऐसे ही हम यहाँ पर 2 से 3 रीडिंग्स और ले सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं कि आपको पी और क्यू के तरफ जो स्लॉटेड वेट्स है वो सेम रखने हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं कि आप यहाँ पर 100 ले लें एंड फिर आप यहाँ पर 250 ले लें। आप अगली रीडिंग ऐसे ले सकते हैं कि आप यहाँ पर 150 ले लें एंड यहाँ पर आप 200 ले लें। तो आपको इन अलग अलग रीडिंग्स के साथ ओ ए ओ बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमने 100 ग्राम्स लिया है तो यहाँ पर ओ ए की लेंथ हो जाएगी 2 cm, 250 लिया तो यहाँ पर ओ बी की लेंथ हो जाएगी 5 cm। एंड ऐसे आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके ओ सी जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपका अननोन वेट आ जाएगा। जैसे ही आप तीनों रीडिंग्स के रिजल्ट निकाल लेते हैं आपको उन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करना है एंड वो होगा आपकी बॉडी का अननोन वेट। तो गाइज ये था कि आप कैसे एक बॉडी का अननोन वेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अपरेटस। तो गाइज अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए ईमेल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओम लैब्स। थैंक यू।